वैसे यहाँ पे भी छोटा सा मंदिर की तरह लगा के ये लोग भी घाट को सुरक्षित करते हैं। सेफ्टी भगवान भरोसे। ये रहा वो चर्च जहाँ पे हमें जाना है, माउंटेन्स के ठीक ऊपर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं माँ शार्बिल चर्च। अब ये माँ अपना माँ वाला मदर वाला माँ है या कौन सा है देखता है, बट शार्बिल नाम तो एटलीस्ट लड़कों का ही होता है। सो ये चर्च है माँ शार्बिल चर्च। लेट्स सी। एक ऐसे फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ से एक शेयरिंग वाली बस में मिलती है। सो आई एम ट्राइंग विद द शेयरिंग बस। मॉल एंड डोर एक बेकरी है उसके वहाँ पे मिलेगी। सो लेट्स सी एंड लेट्स गो देयर। संडे की सुबह सुबह जो भी आप रश देख रहे हो ना, ये रश है सब लोग चर्च जा रहे हैं मॉर्निंग टाइम में। दे फॉलो इट वेरी रिलीजियसली। जैसे पहाड़ी आती है हम छोटा मंदिर वगैरह लगाते हैं, वैसे यहाँ पे भी छोटा सा मंदिर की तरह लगा के ये लोग भी घाट को सुरक्षित करते हैं। हाईवे पे माउंटेन्स के पास में जहाँ पे भी घाट होता है, हर जगह सेम हाल। सेफ्टी भगवान भरोसे। ये रहा वो चर्च जहाँ पे हमें जाना है, माउंटेन्स के ठीक ऊपर, सेंट शार्बिल चर्च। ये है सेंट शार्बिल चर्च। ये व्यू कैमरा में ब्यूटीफुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट आँखों को देखने के लिए तो बड़ा ब्यूटीफुल है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। इनकी प्रेयर चल रही है, ये चर्च का मेन एरिया है। सबसे बेस्ट बात
ये चर्च है वो माउंटेन्स के, वन ऑफ द बिगर माउंटेन उसके ऊपर है। आई थिंक माउंटेन ट्रेल का नाम अनाया है। अभी हम खड़े हैं सेंट शार्बिल ग्रेव के पास। ये जो सेंट है ही बॉर्न ऑन 1828 और उनका देहांत हुआ 1898 में। इन्होंने 16 साल तक चर्च में सेवा की। स्पेशलिटी इनकी ये है, ये जब फादर बने मतलब चर्च के हेड वगैरह बने उस टाइम पे उनका मिरेकल दिखाना शुरू हुआ। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक दिन उन्होंने किसी को दिया जलाने के लिए बोला तो ऑयल के बजाय उस बंदे ने पानी डाला दिए में, बट स्टिल वो दिया जलता रहा। सो इस तरीके से उन्होंने एक एक करके सारे मिरेकल दिखने लगे लोगों को। श्रोता बुने जाके सेंट की पदवी मिली। जब उनका देहांत भी हुआ और उनको जब टोम में रखा गया तब उससे लाइट आने लगी और उनका कहना है कि उसके बाद उन्होंने सबको हील करना शुरू किया, सबको हेल्प करना शुरू किया, हीलिंग पावर्स मिरेकल्स दिखना शुरू हुए। उनके डेथ के बाद अराउंड सारे वर्ल्ड से बहुत सारे मिरेकल के लिए उन्होंने लेटर्स भी आना शुरू हुआ, इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। इंडिया से भी 101 लेटर्स का रिकॉर्ड है यहाँ पे मैंने देखा। ऐसे करके अराउंड 55 कंट्रीज़ का उन्होंने डिस्प्ले किया है। सो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लेटर मिले लेकिन सब रखे नहीं है, बट उन्होंने काउंट दिया हुआ है किस कंट्री से कितने आए। सो अराउंड यूके से 90 प्लस आ गए, यूके से अराउंड 90 प्लस, बट इंडिया से उससे ज़्यादा है, अराउंड 101। यहाँ पे ऐसे रोड पे घूमना भी आई लव इट समहाउ, बड़ा ही हसीन नज़ारा है। संभव मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ ये रे, इसको छेरी लगी हुई सेब। मैंने पहले कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम आई हैविंग लुक एट द चेरी ट्री। बहुत सारी लगी हुई है। ये मिल गया एक बेरी का पेड़, कैन यू सी ब्यूटीफुल बेरीज। रोड पे चलते चलते यम्मी। ये रही और हाँ, ये रहे फ्यू मोर रेड बेरी बेरीज।
चेरी नॉट बेरी। हाथ में तो कुछ आ नहीं रहा, शायद जम करना पड़ेगा। ओके वाओ, यू आर वेरी यम्मी। बहुत टेस्टी है बॉस। ब्रिटेन जाने के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, और पेरिक्लिस भी अभी जाने वाला है 11:30 को, सो उसको बाय करना, ग्रीस के लिए निकल रहा है वो, उसको बाय करना भी बहुत ज़रूरी था। सो गड़बड़ी में फिर एक टैक्सी मिली, फिर उसको मैंने थोड़े कम प्राइस में बना दिया। उसने 30,000 मांगे थे, मैंने 10,000 में उसको बना दिया, और उसने एज अ जेंटलमैन एग्री किया। गुड गोइंग बैक, ब्यूटीफुल रोड। ओशियन बड़ा क्लियर दिखेगा आपको। दिस इज द ब्यूटीफुल सीन।